राधे, कैसे हैं आप सब गाइस? आज मैं मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का, तो आज चली गई मौसम का फ़ायदा उठाते हुए नर्सरी। और नर्सरी से क्या लाई हूँ वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं ये पौधे दिखा रही हूँ आपको, छोटी छोटी। ये देखिए, ये पर पौध मुझे मिली है 8 रुपये की, और इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे थे क्योंकि फ्लावर्स नहीं खिले थे, इसलिए जो दिखा जैसा दिखा मैंने ले लिए। ये देखिए कलर, 8 रुपये में कोई घाटा नहीं है, अच्छी पौध है, हेल्दी है, मस्त है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ज़्यादा कॉस्टली प्लांट्स खरीदना पसंद नहीं करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मुझे कितने सस्ते पौधे मिल जाएँ। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये है 20-20 रुपए की पौध जो कि मुझे लगी ठीक है। तो मैंने इसके भी कई प्लांट्स ले लिए हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें। कलर कुछ लाइट कलर मेरे पास ऑलरेडी थे, इसलिए मैंने डार्क पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखाया अपना, और ये सारे डार्क कलर हैं। लाइट में एक आधे ये वाले अच्छे लगे मुझे, तो ले लिए मैंने। तो इस तरीके के फ्लावर्स ये देखिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मुझे बिंदी वाले जो फ्लावर हैं ये ज़्यादा पसंद हैं। ये भी लाइट है, ये वाला प्लांट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके मैंने शायद दो लिए, नहीं एक ही आया है, एक ये पौध है मेरी। तो ये तो हो गए हमारे सदाबहार। वैसे सदाबहार मेरे पास बहुत अच्छा कर रहा है, आपको दिखाती भी रहती हूँ। पर कुछ कलर और नीचे मेरा गार्डन है, मुझे वहाँ ऐड करने थे, तो मैं वहाँ के लिए लिए हैं सारे। आप लोगों को कैसे लगे मुझे बताना, ठीक है? तो आपको मैंने प्राइस भी बताया पौध का भी और इनका, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अब आ जाते हैं इस पर। ये देखते हैं, ये एक तरीके की वाइन है और इसका नाम है गोरी चोरी या फिर ट्रम्पिक वाइन, कंप्लीट मुझे पता नहीं है इसका क्या नाम है, पर मुझे वाइन चाहिए थी तो मैं इस वाइन को ले आई। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये माली भैया ने मुझे 40 रुपीज़ की दी है, जो कि मुझे ठीक लगी। और अब बात करते हैं इस कलेक्शन की, जो मेरे पास नहीं थे फोलियस मुझे नर्सरी में नज़र आ गए और मैंने ले लिए। ये देखिए, इसकी लीव्स थोड़ी लंबी लंबी हैं और ये कुछ हटके लगा मुझे, मैंने ले लिया। ये बेहद सस्ते प्लांट हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। ये 20 रुपीज़ का पड़ा है मुझे और बहुत अच्छा लगा। फिर ये देखिए, इसकी भी लीव्स की जो डिज़ाइन है कलर अच्छे लगे। इस कलर का मेरे पास है पर ये डिज़ाइन नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैंने ले लिया। अब आ जाते हैं इधर। ये देखिए, इसमें बीज आ रहे हैं, वैसे तो इनको निकाल दूँगी मैं। अब ये भी मुझे 30-30 रुपीज़ के मिले हैं माली भैया के यहाँ। एक एक ब्रांच लगी हुई है कटिंग की। और ये देखिए, इसका भी कलर कुछ हटके लग रहा था, सुंदर है। और एक ये ले लिया मैंने, पता नहीं ये एक जैसे दो आ गए हैं शायद, ये और ये एक जैसे ये शायद, कोई बात नहीं। और एक ये है, ये भी मुझे अच्छा लगा, सुंदर है। तो मैंने इस तरीके से ये 6 प्लांट्स कोलियस के लिए हैं, जो मुझे 20 ये 30-30 के हैं और ये 20-20 के अच्छे लगे। अब आ जाते हैं इस खूबसूरत से एरो हेड पर, जो मुझे ये 100 रुपये का मिला है। और ये अच्छा एरो हेड है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इस स्पॉट में मिला है मुझे 100 रुपये में, ठीक है। आप इसको हैंगिंग बास्केट बनाइए या फिर वैसे ही प्लांट्स में लगा दीजिए, अच्छा है। और ये वाइट वाली अपराजिता है, जो मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये ले ली है। पर्पल वाली है, वाइट वाली नहीं थी। एक ये छुटकू सा पान का प्लांट्स लाई हूँ मैं, ये 20 रुपीज़ का दिया है मुझे, लगाते हैं। आ जाते हैं इस क्रोटन पे। ये क्रोटन मुझे बहुत ही प्यारा और कलरफुल लगा, गर्मियों में बहुत अच्छा ऑप्शन भी है हमारे गार्डन में कलर ऐड करने का। ये 80 रुपये का दिया है माली भैया ने मुझे, मन तो था कि सारे उठा लूँ बट महंगे पड़ रहे थे, इसलिए एक ही लिया है। काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए लग रहा है ना प्यारा।
अब करते हैं इस कनेर की बात। और ये कनेर दोनों ही बड़े खूबसूरत लगे मुझे। ये क्रीम कलर का कनेर है और ये लाइट पिंक कलर है, दोनों ही बड़े प्यारे लगे। ये मुझे 40-40 रुपीज़ के मिले हैं माली भैया से और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, तो सोचा क्यों ना अपने गार्डन में इसे ऐड किया जाए। काफ़ी अच्छा मौसम है, इस तरीके के फ्लावर्स प्लांट लाएँ। परमानेंट हैं ये और लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, इनकी कोई ख़ास केयर नहीं है और बहुत अच्छा करते हैं हमारे गार्डन में हर मौसम में। तो मेरी माने तो आप अपने गार्डन में इस कनेर को ज़रूर ऐड करें। रेड कलर की भी आती है और वाइट कलर की भी आती है, बट मुझे ये दोनों प्यारी लगी सो मैंने इनको ले लिया और 40 रुपीज़ में, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। और लास्ट दिखाती हूँ मैं आपको अपना ये खूबसूरत सा मनी प्लांट्स जो बड़े पत्ते वाला है। और मेरे पास में ये वाला मनी प्लांट्स नहीं है और आज तक मैंने इसे परचेज़ भी नहीं किया था, पर आज मैं इसको फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ ला करके। और ये माली भैया ने मुझे 100 रुपये का दिया है और बहुत सारे रखे थे, बट इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक लगी। दो ब्रांच हैं इस प्लांट्स में और ठीक हैं, दोनों ब्रांच हेल्दी हैं। सो मैं आज इसको अपने, देखते हैं एक दो दिन में रिपोर्टिंग करूँगी इनकी। मैं अभी इसको एज इट इज़ रखे रहने दूँगी, धीरे धीरे इनको रिपोर्ट करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आज हम प्लांट्स लाए हैं और आज ही इनको रिपोर्ट कर दें, इनको पानी दे दें अपने हिसाब से और धीरे धीरे इनको अपने प्लांट्स को धीरे धीरे जगह बनाते रहें और लगाते रहें। गाइस, तो आपको आज की शॉपिंग मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप इन्जॉय करें इस वीडियो को। और जो भाई बहन पहली बार हैं से कहना चाहूँगी सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की खूबसूरत जानकारी मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।